हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्जी। मेरी ये रेसिपी असमिस की प्रतिका से इंस्पायर्ड है। इसमें मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है, तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमको फ्रेश और ग्रीन वाली तुरई लगेगी। इसके लिए मैंने एक तुरई ली है, इसके एंड्स मैंने काट लिए हैं। तुरई ज़्यादा बड़ी है, इसके लिए मैंने इसके 2-3 पीसेस कर लिए हैं। अब एक पीलर की सहायता से हम इसके छिलके उतार देंगे। अब सभी पीसेस में से हम इसके छिलके निकाल देंगे और इन छिलकों की हम चटनी बनाएंगे। छिलकों की चटनी बनाने की रेसिपी की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप ज़रूर देखें। अब एक भगोने में हम 4-5 कटोरी पानी डालेंगे और इसके साथ ही हम 2 आलू को बीच में से काट कर इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हमने जो तुराई के छिलके निकाले हैं उन पीसेस को भी हम इस पानी में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर उबलने के लिए 8 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। जब तक ये सभी चीज़ें उबल रही हैं, हम दूसरे बर्नर पर 2 टमाटर को रोस्ट होने के लिए रख देंगे। टमाटरों पर मैंने एकदम हल्का तेल ग्रीस किया है। अब बीच बीच में हम इन टमाटरों को अलट पलट करते रहेंगे ताकि ये सभी साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। इसी के बीच हम इसमें 3 हरे मिर्च को रखेंगे और इनको भी हम रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। मिर्च को थोड़े थोड़े टाइम तक अलट पलट करें क्योंकि मिर्च जल्दी रोस्ट हो जाएंगी। मिर्च को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगी। मिर्च अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तुरई और आलू के पीसेस को उबलते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आलू के एक पीस को हम चाकू की सहायता से प्रेस करेंगे और देखेंगे कि ये आलू पका है कि नहीं। तुरई के पीस को भी हम हाथ से दबाकर देखेंगे कि वो सॉफ्ट हुई है या नहीं। आलू और तुरई पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बचे हुए पानी को आप दाल में डाल दें। आलू और टमाटर के हमने छिलके उतार दिए हैं, उसी के साथ हमने मिर्च को काट लिया है। अब एक बर्तन में हम एक उबला हुआ आलू डालेंगे, अगर लगेगा तो हम बाद में दूसरा भी डालेंगे। अब इसे हम अपने हाथों से हल्का सा मैश कर लेंगे। इसी के साथ हम रोस्ट किए हुए 2 टमाटर भी डाल देंगे और एक मैशर की सहायता से इन दोनों चीज़ों को मैश करेंगे। टमाटर और आलू जब अच्छी तरह से मैश हो जाए तब हम इसमें भुनी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उबली हुई तुरई को भी इसमें डालेंगे। तुरई को भी हम हल्के हाथों से इसे मैश करके ही डालेंगे। यहाँ हमने पूरी एक तुरई को मैश करके डाला है, इसी के साथ मैं दूसरा आलू भी मैश करके इसमें डाल दूँगी और 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इन सभी चीज़ों को हम एक मैशर की सहायता से फिर से मैश करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। 1-2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक या अपने स्वाद के अनुसार और 1/2 नींबू का रस भी इसमें डालेंगे ताकि इसमें हल्का सा खट्टापन आए और ये ज़्यादा टेस्टी लगे। इसके बाद डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ट्रेडिशनली पिटिका में सरसों का कच्चा तेल डाला जाता है, पर मैंने यहाँ इसे 0 ऑयल में बनाया है। आलू और तुरई का ये भरता बिना तेल का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे अपने वेट लॉस डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।